चक दे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश दी खबरां लैके मैं हाँ गुरविंदर संधु। मारदे नज़र हुण तक दीआं सुरखियां ते SGPC प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने प्रधानमंत्री अगे रखी करतारपुर लांघा खोलन की मंग। मास्क पाउण नूं लैके भी दिता वड्डा बयान। कैप्टन खिलाफ भड़के प्रेम सिंह चंदूमाजरा, शराब मामले नूं लैके कीते वड्डे सवाल। कैप्टन के मारू फैसलों खिलाफ अध्यापकों दीआं 10 जथेबंदियां हुई एकजुट, पुतला साड़ कड्डी पड़ास। लुधियाणा विच दुकानां ते ऑड ईवन फॉर्मूला होया लागू, दुकानदार भड़के कहा ठेके भी करो बंद। पुरानी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्टर के घर ते हथियारबंद नौजवानां कीता हमला, गड्डी थल्ले दलड़ी औरत। 9 बच्चों की मां खा रही दर दर दियां ठोकरां, पुत ने कोट कोट कड्डी घरों बाहर। हुण खबरां विस्थार नाल। SGPC प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने सिख संगत दीआं भावनावां नूं मुख रखदे होए देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तों करतारपुर साहिब दे लांघे नूं खोलण दी मंग कीती है। मत्था टेकण आउंदी संगत नूं लौंगोवाल ने सिहत विभाग वल्लों जारी कीते गए नियमां दी पालना करन लई वी खास बेनती कीती। बीते कल SGPC दे प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल तख्त श्री दमदमा साहब पहुंचे, जिथे भाई लौंगोवाल ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि करतारपुर साहब लांघा खुलण नाल समुचे सिख संगत विच खुशी सी, पर बाद विच कोरोना दे चलदिआं लांघे नूं बंद कर दिता गया। उन्हां कहा कि हुण सिख भावनावां नूं देखदे होए केंद्र सरकार नूं तुरंत इह लांघा खोल देना चाहीदा तां कि सिख अपने पावन धार्मिक स्थान ते दर्शन कर सकन। श्री दरबार साहब मत्था टेकन आउण वाले श्रद्धालुआं लई मास्क पाउणा जरूरी ऐलानण दे सवाल ते भाई गोबिंद लौंगोवाल ने कहा कि श्रोमणी कमेटी अधीन आउंदे सारे प्रमुख गुरुद्वारा साहिबान दे प्रबंधकां नूं हिदायत कीती गई है कि सेहत विभाग वल्लों जारी समाजिक दूरी ते मास्क दे नियमां दा पालन कीता जावे। देखो, करतारपुर साहब ऐसी पावन धरती है जिथे श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज दा लम्मा समा अपनी जिंदगी तक गुजारिया। जदों ये लांघा खुलिया तो सारिया नानक नाम लेवा सिख संगतां दे विच बहुत बड़ी खुशी पाई गई सी। तो बड़े ऐसा हो गया कोरोना वायरस जिहड़ा आया हुण ये सारे संसार दे विच करोपी चल रही है, इहदे करके पिछले समें दे विच भी गुरद्वारा साहब भी कई लोग जाणा घट गए सी। तो इस करके अज भी सारी सिख संगतां दी एक मंग भी आ रही है कि जिहड़ा करतारपुर दा लांघा वह खुलना चाहिए। सो मैं भी भारत सरकार नूं बेनती करांगा कि सरकार दीआं हदायतां मुताबक जो साडियां सेहत सेवावां सेहत विभाग दीआं हदायतां ने उन्हां दी पालना करदे होए तो इहदा भी यतन होना चाहिए कि जे लांघा करतारपुर साहिब दा खुल जाए तां सिख संगतां दीआं जिहड़ियां भावनावां ने और उन्होंने जी है मंग पूरी होनी चाहिए है। लेकिन सरकार ने उन्हें हदायतों तो सेहत विभाग दिया जीडिया भी हदायत ने उन्होंने भी पालना जरूरी है। पता जी मास्क का भी किया गुरद्वारा साहब किस तरह हदायत नवी जारी की गई वो सारे गुरद्वारा साहब से हदायत ने जिस तरह भी सेहत सेवावान के मुताबिक उन्होंने हदायतों के मुताबिक कोरोना वायरस में मुख रखते हुए सारिया उन्होंने हदायतों की पालना की जाए। डिस्टेंस है, मास्क है, जो होर भी जो भी हदायतों ने वो सारिया पालना आदि होनी चाहिए है और गुरद्वारा साहब जाने की हरेक खुल होनी चाहिए है। कोरोना ते होर कारणा करके विगड़ रहे पंजाब दे हालातों का ठीकरा प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कैप्टन सिर पन्निया। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सरकार ते गंभीर आरोप भी लगाए अते शराब मामले नूं लैके सरकार ते वड्डे सवाल चुके। कांग्रेस के ही लीडरां वल्लों सरकार ते चुके गए सवालों नूं भी उन्हां सही ठहराया। चंदूमाजरा ने कैप्टन नूं खरियां खोटियां भी इस मौके खूब सुनाईयां। अज तो लहरे हल्के के पिंड गलाड़ी के मैं आया से समाजिक समागम साढ़े बहुत ही प्यारा अजीज कृष्ण गलाड़ी के नाते कहते सी वो अज नहीं रहे साढ़े पर उन्होंने जी प्यार उन्होंने सेवा उन्होंने जी लगन सी स्नेह से खास तौर पर मेरे न निजी तौर पर भी अज वो बदौलत कह सकता मैं
जा उसकी सेवा करके कह सकता। उन्होंने लड़की की शादी आ, उसे मैं अज आया थी। भावें करोना महामारी दी बंदिशां ने और मिनिस्टर ऑफ हैल्थ दी गाइडलाइनज भी ने भी बड़े सीमित कट सोशल डिस्टेंस सारे ध्यान रखते हुए, पर क्योंकि साडा परिवारक रिश्ता सी परिवारक फर्ज निभाउण दे कारण लड़की की शादी ते आया। पंजाब दे विच बड़ा क्राइम वध चुके ने, लुट्टां होण दे मामले होण ने, मर्डर होण दे कितने देख लिए। पंजाब के अंदर तो अच्छ अराजकता का माहौल आ, कानून ना की कोई चीज़ है नहीं, हफड़ा दफड़ी बची हुई आ। और पंजाब दे विच तो अच्छ माफिया राज चल रहा, पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नहीं, अच्छ माफिया ग्रोहां की सरकार आ। और दुख इस गल का कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चार महीनों के अपने प्राइवेट घर तो बाहर निकल के नहीं आए, जिस करके मुलाजम भी सड़कों पर आए ने, किसान भी सड़कों पर आए ने, दुकानदार भी हाहाकार कर रहे ने। हुण करोना महामारी तो बचण लई किसे तरह के ना तो हस्पतालां दा प्रबंध, ना हस्पतालां विच बैड दा प्रबंध, ना हस्पतालां विच दवाइयां दा प्रबंध, मतलब कोई बंदा आम बीमारी पक्षों भी मैं समझदा तसली नाल नहीं जा सकता किसी हस्पताल चों जां किसी डाक्टर कोलों, क्योंकि ना दवाई मिलती आ ना उहदीआं सहूलतां मिलदीआं ने। यह बड़ी चिंता वाली गल आ, कल्ले करोना नाल ही मौतां नहीं हो रही, बल्कि करोना तो बिना भी दूजिया बीमारियों का लोग बड़े शिकार हो रहे हैं और बड़ा लोगों को लुटिया जा रहा। आ दवाई का पत्ता एक जिहड़ी विटामिन सी आ, जदों करोना शुरू हुई सी ये 10 रुपए का हुंदा सी, फिर 20 रुपए का हो गया। अज जो करोना वो पत्ता विटामिन सी का एक 10 गोलियां का 72 रुपए का 70 रुपए का हो गया। जाने कोई पुछण वाला ही नहीं है, ना तो दवाइया दी कीमतों पर कंट्रोल आ, ना कोई होर सेहत सेवावां मुहैया करियां जा रही ने। तो सख्तियां का दौर भावें शुरू किया पर सख्तियां भी किसी हिसाब नाल नहीं मैनूं लग रही। देखो रात को करफ्यू कहते होएगा, रात को तो वैसे ही करफ्यू होंदा, रात को करफ्यू के अर्थ नहीं सानूं अजे तक समझ आए भी रात को करफ्यू लाने का की आइडिया। करफ्यू लाने का मकसद सीगा भी लोगों की हजूम घटे, लोगों की भीड़ घटे, तो रात में तो वैसे ही लोग सुते पे होंगे, उन्हें करफ्यू का की अर्थ आ। जे करफ्यू लाना सी तो शुक्र शनिचर एतवार को ही ला देंगे। केंद्र सरकार ने जी MSP खत्म करने वास्ते एक आर्डिनेंस पास किया, जहरीली शराब लेकर श्रोमणी संघ लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कह रहे हूँ भी वादा जा रहा है कोई जो कैप्टन वालों शिफ्टा बिठाई गई थी कोई असर देखी। देखो बड़ी अफसोस की गल है, इसे करके मैं कहा कि पंजाब माफिया राज आ, पंजाब कानून का राज ही है नहीं, पंजाब दे विच आपा धापी पई आ, लुटा हो रही ने, कब्जेबाजी हो रही आ। जहरीली शराब पीण नाल 120 बंदिआं दा मर जाणा ते पंजाब दे मुख्यमंत्री वल्लों ट्रस्ट ते मसना करना, किसे एक भी वड्डे लीडर नूं पोस्ट पनाही करन वाले व्यक्ति नूं जिहड़ा ये सारे नजायज़ धंधे की कोई ना कोई तो सरप्रस्ती करता ही सी, कोई ना कोई पोस्ट पनाही तो बिना तो एडा नजायज़ धंधा चल नहीं सकता। और खास तौर पर राजपुरे के नेड़े गंडा पिंड दे विच जिहड़ी फैक्टरी फड़ी गई सी, उहदे विच तां कांग्रेसी उत्थों दे लोकल विधायक सी घनौर हल्के दा मदन लाल जलाल, पर उहदे घरे जिहड़ा मुख दोषी सी उहदे घरे उहने प्रैस दे सामने आप पेश कीता सी, कांग्रसियां ने आप अदालत विच उहनूं जा के पेश कीता सी। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने अपनी पार्टी दे किसे विधायक तों किसे ऐसे नेता तों सवाल तक नहीं पुछिआ वी तुसीं इहो जिहे लोकां नूं क्यों पोस्ट बनाही करदे हो। कैप्टन सरकार दे लोक विरोधी फैसलिया कारण बठिंडा विच 10 अध्यापक जथेबंदियां ने एकजुट हो मोंटेक सिंह आलूवालिया दा पुतला साड़ प्रदर्शन किया। कैप्टन सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियां मुताबिक आलूवालिया वल्लों पंजाब सरकार नूं पेश की गई रिपोर्ट मुलाजमान दे हक विच नहीं है। कैप्टन सरकार अते उन्होंने मुलाजमान ने लोगों की तौबा करवा रखी है, हर वर्ग परेशान आ ते सड़कां ते अपना रोस जाहिर कर रहा है, जिसके तहत ही बठिंडा च अज अध्यापकों दीआं 10 जथेबंदियां ने भारी गिनती च एकजुट होकर अपनी मंगां नूं लैके मनटेक सिंह आलूवालिया का अर्थी फूक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਲੂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आर्थिक सुधार कमेटी के कन्वीनर मनटेक सिंह अलोवालिया ने जो रिपोर्ट पंजाब सरकार नूं पेश कीती है वह मुलाजमान के विरुद्ध है। उस विच लिखा होया है कि किसानों ते मजदूरों के बिजली के बिल लगाया जाए, डीए दीआं किश्तां बंद कर दित्तियां जाण। इस मौके प्रदर्शनकारियों के काफ़ी रोस देखने को मिलिया और उन्होंने कैप्टन सरकार को खूब जम के शब्दी चपेड़ा मारियां। हाँ जी, मेरा नाम परविंदर सिंह, मैं डेमोक्रेटिक टीचर फंड तो जिला मीत प्रधान हाँ। अज असी बठिंडे जिले दियां लगभग 8 अध्यापक जथेबंदियां ते 2 सहयोगी जथेबंदियां दे नाल अज रोस प्रदर्शन कीता है। इत्थे मनटेक सिंह आलूवालिया दी अर्थी फूकी गई है। पिछले दिनी जो मनटेक सिंह आलूवालिया कमेटी वालों मुलाजम विरोधी सिफारशां पेश कीतियां गईयां ने, उन्हां करके समुचे अध्यापक वर्ग दे विच बहुत रोस है, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ शब्दों के संकेत दिए ने कि आने वाले दिनों के अंदर इतों का जो डिवेलपमेंट टैक्स है, पहला 200 रुपया साढ़े तो असं जजिया टैक्स कहने, सरकार ग्राउंड उन्होंने 1650 रुपये करने की सिफारिश की है। जिन्या सार्वजनिक खेत्र के अंदर खाली सामिया पीयां खत्म करने की सिफारिश की है। इतों के जो जनतक अदारे ने बिजली बोर्ड आ उन्होंने भंग करने की गल की है। तो इस ही अध्यापकों की तनखा कटौती दिफारशा की ने, इस करके असं चाहते हैं कि जे जो कमेटी दिफारशा ने इन्हों मुलाजमान का जो भविख है इन्हू पूरी तरह तबाह कर देना, बेरोजगारी ने बदना है। इस करके असं चाहते हैं कि जो सिफारशा मनटेक सिंह आलूवाली कमेटी ने कीतिया ने इन्हों सरकार फौरी तौर के उत्ते रद्द करे। तो मुलाजमान जो डीए दियाँ किस्तां रोकिया हुई ने, डीए के बकाए पिछले लंबे समय तो पेंडिंग खड़े ने, इतों का जो साडा धक्के सरकार ने असी ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं ये बावजूद साडा मोबाइल टैक्स कट लै गया। असी सरकार तो यह मांग करते हैं कि साडा मोबाइल टैक्स सानू बहाल करे, साडे डीए दियाँ किस्तां बहाल करे। तो जो सिक्ख्या विभाग के अंदर वख-वख कैटागरियां च मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते काम कर रहे हैं, सिक्ख्या इतों के कंप्यूटर फैकल्टी ने उस सोसायटियां च काम कर रहा है, सारयां विभाग च लिया के रैगूलर किया जाए। कोरोना महामारी नूं मद्देनज़र लुधियाना विच दुकानां खोलण लई ऑड इवन दा फॉर्मूला लागू किया गया है, पर ऑड इवन दे फैसले ते दुकानदार इतराज़ जता रहे ने। दुकानदारां ने शराब दे ठेके भी बंद रखण दी मंग कीती है। पंजाब सरकार वालों सूबे च लगातार फैल रहे कोरोना वायरस नूं मद्देनज़र एक अहम फैसला लैंदिया शनिवार एतवार मुकम्मल बंद दे नाल गैर जरूरी समान दीआं दुकानां ऑड इवन दे फार्मूले ते खोलण दा फैसला लिया है, जिसके तहत लुधियाना च बीते दिन दुकानां ते नंबर भी लगाए गए। अज इवन नंबर दीआं दुकानां लुधियाना च खुलियां ने, जिस नूं लैके दुकानदारां ने एतराज़ जताया है अते कहा कि इस तों चंगा तां 15 दिनां लई पक्का ही लॉकडाउन लगा दिंदे। लुधियाना तो साड़ी टीम वालों चौड़ा बाजार का जायजा लिया गया। इस मौके की हाल सी अते समाज सेवी अते व्यापार मंडल दे आगू बिंटू गुंबर ने कहा कि सरकार का यह फैसला सही नहीं है, दुकानदार परेशान ने। उन्हें कहा कि सरकार ने शराब के ठेके खुले रखने का फैसला लिया है जदों की दुकाना बंद कर दित्तियां ने, कि शराब ज्यादा जरूरी है। उन्हें कहा कि दुकानदारां वालों सरकार नूं सारे बिजली दे बिल टैक्स आदि दिते गए ने, पर उन्हां वालों उन्हां नाल जाती कीती जा रही है। ऑड इवन दा फार्मूला लागू कर दिता गया अज सरकार ने, कितना देखदे हो? बहुत साडे व्यापारियों दे विच रोष है कि पहला जिहड़ा सरकार ने फरमान जारी किया सी छणी ते इतवार बंद दा, उस तों बाद नवा रूल हो गया ऑड इवन दा, हाले तक लोगों नूं समझ नहीं आ रही। लोग एक दूजे दीआं शकलां देखदे पए ने। चौड़ा बाजार करीमपुरा दे विच कानून चंगी तरह लागू है प्रशासन वालों, लेकिन सारा बाजार खुलिया असी पता किया वै, तो साडे व्यापारियों नाल बहुत ज़्यादा धक्का वै। असी सरकार अगे मंग करते हैं कानून सब वास्ते एक होवे, चाहे वह करियाने की दुकान है, चाहे फ्रूट दी दुकान है, विशेष तौर पर शराब दी दुकान, जितों सरकार का अपना फायदा है वो सब कुछ खुला। जिहड़ा व्यापारी हर तरह का टैक्स देंदा वै उहदे नाल धक्का। व्यापार मंडल सारा अज रोस च है और मंग करता सरकार अगे कि साढ़े नाल जिहड़ा धक्का हो रहा है इनू पूर्ण तौर पर जा तो तुसी खोल दो, जा इनू पूर्ण तौर पर लागू कर दो, 15 दिन लई बंद कर दो। असी सरकार दे हर हुक्मां दी पालना करांगे। जे तुहाडे कोल कोरोना महामारी नहीं कंट्रोल होंदी ते असी अपने वालों सारे व्यापारियों नूं हर तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, मास्क वंड रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने लई कह रहे हैं, हर तरह का असी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
या पूर्ण तौर पर खोल दिता जाए। लुधियाना विच पुरानी रंजिश कारण करीब दर्जना हथियारबंदा ने एक ट्रांसपोर्टर के घर से हमला कर दिता। इस दौरान गुंडागर्दी का नंगा नाच दिखाने वाले ने औरत को भी अपनी गड्डी नाल दरड़ दिता और उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगाई है। लुधियाना के गुरु नानक नगर च बीती रात उदो हड़कंप मच गया जो 10-12 नौजवानों वालों पुरानी रंजिश के चलदियां फिल्मी स्टाइल च बलैरो कार ते सवार हो एक ट्रांसपोर्टर के घर से हथियारों नाल लैस होकर हमला कर दिता गया। अते हमला करना है नौजवानों ने बलैरो बचा कर आई औरत ते चढ़ा के उसनु कुचल दिता। हस्पताल ले जांदिया ही उस औरत दी मौत हो गई। जानकारी मुताबिक कुछ दिन पहला भी किसी गल नु लैके नौजवानों का पीड़ित परिवार नाल झगड़ा होया सी जिसका थाने च समझौता हो गया सी। इसे गल दी रंजिश रख के नौजवानों ने बीती रात हथियारों नाल लैस हो ट्रांसपोर्टर दे घर ते हमला किया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगाई है अते पूरा मामला मीडिया सामने बयान किया। मसला जी सुबह बच्चे अपने 4:30 बजे फुटबॉल ग्राउंड में घूमने के लिए जाते हैं गुरु नानक नगर में जी। और वहां जो अपोजिट पार्टी वाले नशा करके वहां पड़े होते थे जी। तो उन्होंने जो घूमने वाले बच्चे जाते थे और भी जो घूमने आते थे उनके साथ में हाथापाई करी जो कि सुबह के टाइम में जो भी मिलता या किसी की चलनी छून ली या कुछ उनका यही काम था वहाँ पड़े रहते थे। ये तो कितने बजे का वाक्य है? वो सुबह ये जो पहली वारदात हुई थी ये सुबह के 4:30 का वक्त है। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो और उसके बाद में मैं बताता हूँ सर आपको। उसके बाद क्या हुआ था मेरे लड़के ने बोला पापा जी वहाँ लड़ाई होगी ग्राउंड में। मैं बेटा रिपोर्ट लिखा दो पुलिस वाले अपना आप देखेंगे। यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई 7 थाने में। इन्होंने उस पार्टी को बुला लिया इनका समझौता करा दिया और उस पार्टी को बोल दिया कि आगे से इनको कोई छेड़ा या कुछ लड़ाई की तो आप जिम्मेवार हो गए। तो ये उन्होंने 10-15 दिन बाद में कल रात्रि 8:15 बजे का टाइम था 22 को और उन्होंने घर पे आके बच्चे को बुलाया फ़ोन किया। पहले लड़का बोला पापा जी फ़ोन आ रहा है उनका। मैं क्या बात हुई? वो कहता जी उनका फ़ोन आ रहा है। उनका समझौता हो गया उनकी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं कहा भाई चल क्या बात है। तो हम नीचे आए वो 10-12 लड़के थे एक साथ कोई तलवार कोई बर्छी ले रहा कोई कृपाण एक पिस्टल भी ले रहा था एक बंदा और उन्होंने अचानक एक ही बार में धावा बोल दिया। कौन कौन लोग थे? उनको मैं इतना पहचानता एक का नाम सन्नी है दो तीन वैसे जानता हूँ मैं नाम तो मैं उनका जानता नहीं उतना। हाँ चोट जी हमारे पूरे परिवार को लगी हुई है और हमारे रिश्तेदार ही हमारे नीचे रहते थे उनकी मिसिज को मेरी मिसिज समझ के खड़ी गए। उन्होंने बलोरो गाड़ी ऊपर चढ़ा के 2 वापस घुमाई आगे पीछे करी है। तो ये पुलिस वाले दो अपना 307 लगा रहे हैं 304 लगा रहे हैं लेकिन 302 धारा नहीं लगा रहे मर्डर के। हमारी मांग यही कि 302 धारा लगाए। दूजे पासे थाना डिवीजन नंबर 7 दी पुलिस ने आरोपियों खिलाफ अलग अलग तरहां हेठ मामला दर्ज करके अगली जांच शुरू कर दी है। गुरु नानक नगर च रात जिहड़ा झगड़ा होया ना मुंडिया का आपस में झगड़ा होया इन्हां दी पुरानी कोई रंजिश सी पहला भी झगड़ा होया सी इन्हां दा कंप्रोमाइज हो गया सीगा। रात फिर उत्थे जदों आए ने कि इन्हां दा आपस में झगड़ा हो के जदों भज्जण लगे उदों कुटमार करके गली सीगी बंद। वो गली से जो गड्डी लै के अगे एक औरत आ गई उन्होंने पता नहीं जो किदा ये नहीं पता कह सकते वो मुहरे आ गई वो सट्टा लग गई वो पोलो हस्पताल जाके दम तोड़ गई। ये दसने मुताबिक 10-15 बंदे दस रहे भी 4 बंदे बाय नेम ने। अरैसट अजे मौके तो भज्जे हुए ने अरैसट करने अजे बाकी है। ये लगी है जी 323 324 341 307 304 506 ते 427 506 148 49 सट्टा दो बंदे उहदे प्यो दे लगियां ने मुंडे दे मदई दे भी लगियां ने उहदे मुंडे दे भी लगियां ने। सर अगे की कारवाई करनी? आरबी एफआईआर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जी। शर्मनाक मामला पठानकोट तो है जिथे एक कलयुगी पुत ने अपनी मां नूं
कुट कुट घरों बाहर कर दिता। हुण 9 बच्चों की माँ दर दर दियां ठोकरां खाण लई मजबूर है, पर कोई भी माँ की सार लैन नहीं पहुँचा। बेबस बजुर्ग माँ कई दिनों तो थाने के चक्कर लगा लगा इंसाफ की मंग कर रही है। तस्वीरां च दिख रही यह बजुर्ग ते लाचार माता कहण नूं तां 9 बच्चियां दी मां है, पर हुण यह बेसहारा है क्योंकि हुण यह मां दर दर दियां ठोकरां खाण नूं मजबूर है। अज उह गल साबित हो गई कि एक मां 10 बच्चियां नूं पाल सकदी है, पर 10 बच्चे मिल के एक मां नूं नहीं पाल सकते। मामला पठानकोट दे बाबिया मुहल्ला दा है। बजुर्ग महिला क्लासो देवी है। बजुर्ग नू उसदे बड़े मुंडे ने कुट कुट के करो बाहर कर दिता। सुनो ते देखो बजुर्ग माँ दी दर्द भरी कहानी। बस पानी पीता मुंडा कुल्लू तू आया सी ते पिछू दे होके डराट मारिया, फिर मैंने नाले ते सुट्टी सोटा मार के, फिर कुड़ी दे बालां नू पै गया ते मुंडे दी बांह मरोड़ती वड्डे पोते नी जाए जा पिछे। अस्पताल हाँ टेलीफोन कागज पत्र देते पुलिस वाले कहते ने भी राजीनामा कर लो, उत्थे आके 10 बजे असीं नहीं गए। अच्छा जी, तुसीं की चाहते हो माता जी? मैं चाहनी हाँ भी इहनू घरों कढ़ना, कि तू सानू मारदा है खत्म करदा, सारी जायदाद दा मालक बनदा, अभी सानू इंसाफ दो। मैं मंग के रोटी खानी है पुत, मैं आ दे एक डांग और मार दा, मैनू होश नहीं सी कि तू लैके आ। हाँ इतने जील पै रहा। इस दिन हूँ तक दिन खबरें, ताज़ तरीन खबर लैके फिर मिलेंगे। देखते रहो चकते टीवी। सत श्री अकाल। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे, 2 and 3 ply disposable face mask, 3 ply disposable face mask with nose wire, RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information, www.risley.org.